हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वन पे टेस्ट पेपर वन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, लेकिन उसके पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए, जिससे कि हर सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि सभी तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन में टू पार्ट्स दिए गए स्टूडेंट्स, और उनके हमें एडिटिव इनवर्स पता करना है। एडिटिव इनवर्स निकालना भी आपने लास्ट की वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है। क्या करते हैं, केवल साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना सिंपल सवाल करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका नोट करते हैं, दिया हुआ 7/-10। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कि डेनोमिनेटर निगेटिव है और हमें डेनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना होता है 10 कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 7/-10 मल्टीप्लाई हमने करा दिया दोनों में -1 से, तो ये हो गया स्टूडेंट्स -7/10। अब हमें पता करना है एडिटिव इनवर्स किसका, 7/-10 का। तो लिख देंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका भाई, 7/-10 का। एडिटिव इनवर्स हमें पता करना है 7/-10 का, लेकिन हम वर्क करेंगे -7/10 की तरह। ये माइनस तो हट जाएगा, बचेगा अपने पास 7/10, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखिए 8/5 है, डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव तो नहीं है। हमें स्टूडेंट्स -1 से मल्टीप्लाई तभी कराना है जब डेनोमिनेटर में माइनस हो। अगर डेनोमिनेटर माइनस नहीं है तो आपको फिर उसका मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कराना है। तो चलिए लिखते हैं इसके लिए 8/5 के लिए, लिखेंगे सीधा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/5 इक्वल्स कितना हो जाएगा भाई, -8/5। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, -8/5। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू कह रहे हैं स्टूडेंट्स द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -11/5 फाइंड द अदर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि टू रेशनल नंबर्स का सम -4 है, अगर उनमें से वन नंबर -11/5 हो तो अदर नंबर पता करो। ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हमने कई बार किया है, चलिए इसे भी बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं अदर नंबर इक्वल्स सम ऑफ टू रेशनल नंबर -1 नंबर या 1 रेशनल नंबर, सिंपल सी वैल्यू रख दीजिए सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ टू रेशनल नंबर दिया हुआ है -4, इस माइनस को हमने यहां पे लगा दिया, 1 नंबर दे रखा है हमारे पास -11/5। अब आप ये गलती ना करिएगा कि एक माइनस यहां मिस कर जाए। देखिए पहले हमने लिखा सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स की वैल्यू -4, इस माइनस को यहां पे लगा दिया, वन नंबर क्या है -11/5, इसको नोट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हो जाएगा -4 माइनस और माइनस का हो जाएगा +11/5। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स तो -4 के अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे, 1 और 5 के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5। देखिए -4 हमने कॉपी किया इनटू 1 से 5 को डिवाइड किया, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस ये आ गया 11 इनटू 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 4 20 प्लस 11 1 11 अपॉन 5। अब आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, -20 है प्लस 11 है, अपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट कर देंगे, 20 से 11 सबट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 9, मगर माइनस का क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है अपॉन हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं स्टूडेंट्स व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। तो स्टूडेंट्स जैसा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने 1H एक्सरसाइज और उससे पहले की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से लगा रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर भी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आप लोगों की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो कॉन्सेंट्रेट रहिए और अच्छे से स्टडी करिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5। उसने कहा था -3/5 में कितना ऐड कर दिया जाए कि हमें 2/3 मिल जाए। हमने सबको बताया था, क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन लिखा हमने, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एक्स शुड बी एडेड
ध्यान से देखिए कि बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, दो चार बार लगाए हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट एक्स शुड बी एडेड, किसमें ऐड करना था, एडेड टू माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो माइनस थ्री अपॉन फाइव लिखा हमने, कहा था एडेड तो हमने ऐड कर दिया, कितना ऐड किया हमने एक्स टू गेट, मतलब उसके इक्वल हो जाए किसके, टू अपॉन थ्री के, हमने उसको नोट कर दिया। फिर हमने बताया था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को रोक लेंगे और बाकी जो भी वैल्यू है उसको अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो हमने x बचा लिया, अदर साइड पे गया 2 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 5, अदर साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 5, x इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 और 5 कैल्सियम लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 2 नोट किया इनटू देखिए 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स डिवाइड होगा 5 लिख दिया यहां पे, प्लस लगाया ये 3 यहां नोट कर दिया इनटू 5 3 से 15 3 यहां पे नोट कर दिया, x इक्वल्स क्या हुआ देखिए 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 अपॉन में हो गया 15 इक्वल्स 10 और 9 हो जाएगा 19 19 अपॉन 15। तो यही हो गया स्टूडेंट्स x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 19 अपॉन 15, लेट की जगह लिखेंगे सो x की वैल्यू पुट कर देंगे 19 अपॉन 15, बाकी जो भी है कॉपी कर दीजिए, शुड बी एडेड था आप भी लिख दीजिए शुड बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 3 अपॉन 4 टू गेट माइनस 1 अपॉन 2, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था एडेड के लिए, 4th में कहा सबट्रैक्टेड के लिए, सेम प्रोसेस जरा सा चेंज। सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स शुड बी, अब देखिए भाई वहां पर उसने एडेड कहा था तो हमने यहां भी एडेड लिखा था, यहां उसने सबट्रैक्टेड कहा तो हम भी यहां पे सबट्रैक्टेड लिख देंगे, ठीक है भाई, तो ये तो हमने यहाँ राइट कर दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने सीखा है सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा होता है उसको पहले नोट कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम के जस्ट बाद नंबर लिखा हुआ है माइनस थ्री अपॉन फोर, इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। फिर उसने कहा था सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो हमने माइनस लगा दिया, एक्स सब्ट्रैक्ट करना था एक्स लिख दिया इक्वल्स, गेट के बाद क्या लिखा है टू, गेट के बाद लिखा है माइनस वन अपॉन टू, तो हमने राइट कर दिया यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू। इसके बाद देखिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, मगर उसके पहले माइनस भी लगा हुआ है, एक्स के साथ माइनस भी लगा रहेगा और हमें माइनस थ्री अपॉन फोर को भेजना है राइट हैंड साइड, और जब माइनस की किसी वैल्यू को हम लोग राइट हैंड साइड भेजते हैं तो वो प्लस हो जाती है, तो हो जाती स्टूडेंट माइनस वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर, ये माइनस चेंज हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस एक्स इक्वल्स एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा फोर, माइनस वन नोट किया इंटू टू टू जा फोर प्लस थ्री इंटू फोर वन जा फोर, यहाँ पे वन आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री अपॉन फोर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन अपॉन फोर हो जाएगा, देखिए भाई थ्री पॉजिटिव है टू नेगेटिव है, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा वन अपॉन फोर। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस को ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड पे, x equals minus other side पे जाएगा, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जब बताया जाता है माइनस कोई वैल्यू जाती है तो अदर साइड पे वो प्लस की हो जाती है, तो स्टूडेंट्स ये करते क्या है माइनस को भी जब उधर भेजा जाता है तो वो प्लस कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, अगर केवल साइन को भेजा जाएगा तो साइन जैसा था वही जाएगा, माइनस भेजेंगे तो माइनस जाएगा प्लस होगा तो प्लस ही जाएगा, अगर माइनस के साथ कोई नंबर है तो साइन चेंज होगा, हो जाएगा एक्स इक्वल्स माइनस वन अपॉन फोर और यही हो गई एक्स की वैल्यू, लिख देंगे लेट की जगह पे सो एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर शुड बी सबट्रैक्टेड। ओके स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का है स्टूडेंट्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे उसने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने पूछा था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या कर रहे थे साइन चेंज कर दे रहे थे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं उसमें न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं डिनोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को उठाकर रख देते हैं न्यूमरेटर की जगह पे, इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने जैसे कहा है माइनस थ्री अपॉन फोर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, हम लोग राइट करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका भाई माइनस थ्री अपॉन फोर, तो इक्वल्स होगा क्या फोर आ जाएगा न्यूमरेटर पे माइनस थ्री आ जाएगा डेनोमिनेटर पे,
हो जाएगा इतना, लेकिन स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर पे कभी माइनस नहीं होता, इसलिए इस माइनस को हटा के हम लोग ऊपर लगा देंगे, या अगर आप चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस वन का मल्टीप्लाई भी करा दें, तब भी सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड पार्ट में है 11/4, तो इसमें भी लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 11/4 इक्वल्स, यहाँ क्या होगा 4 आ जाएगा न्यूमरेटर पे, 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर, ये तो हो ही गया था फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर। ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 1H में किया हुआ है, फिर भी जल्दी से करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं इसका, बताया था हमने अदर नंबर इक्वल्स बताया गया था, प्रोडक्ट दिया है तो नोट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या टू रेशनल नंबर लिख दें आप। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, तो यहां पर लगा देंगे डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई वन ऑफ देम का मतलब वन नंबर, यहां पर लिख दिया जाएगा वन नंबर। ओके भाई चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास गिवन है -8, डिवाइड ये लगा हुआ है, वन नंबर दिया हुआ है -12, है ना भाई। अब इसको डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, -8/1 कर लिया, डिवाइड हो गया, इसको भी राइट कर लिया -12/1, -8/1 राइट किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, -12/1 को कर देंगे उल्टा, क्यों कर देंगे, क्योंकि डिवाइड को भी हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो होता है 1/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8, 4 3 12, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 2 और 1 3 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट्स इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, और उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, इन सभी की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे, देखिए इसको सॉल्व करना है। और एग्जाम के लिए हम आपको एक बात बता दें कि क्वेश्चन जहां पे आप नोट किया करिए उसी में कटिंग मत किया करिए, उस क्वेश्चन को दोबारा से नोट कर लिया करिए ताकि क्वेश्चन में सफाई बनी रहे, एग्जामिनर पे इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जाएगा -3/5 × 10/7, हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस प्लस का माइनस, 3 2 6/1 7 7, -6/7 आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स 1H एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर पावर निगेटिव हो तो अंदर जो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रख दीजिए उसके जगह पे, तो जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो हो क्या जाएगा, देखिए 8 को हम लोग रख देंगे ऊपर, -5 को रख देंगे नीचे, तो जो साइन इसका है -1 से हो जाएगा +1, और प्लस हमें यहाँ शो करने की जरूरत नहीं होती है, और पावर 1 होने का मतलब है कि हमें इस वैल्यू को 1 टाइम लिखना है, तो राइट करेंगे इसको 8/-5, है ना। लेकिन हमने एक बात और सीखी है, क्या कि जो डिनोमिनेटर है वो निगेटिव नहीं रखना है, तो 8/-5 में हमने मल्टीप्लाई करा दिया -1 से, तो ये हो जाएगा -8 -+5, -8/5 आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। आते हैं थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट पे फिर आए, तो वहां भी हमने देखा कि पावर कैसी है भाई, निगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए अंदर जो वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट के उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो उसके लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर रख देते हैं, लेकिन उसके लिए न्यूमरेटर के साथ में डिनोमिनेटर होना भी तो चाहिए, क्या इसमें डिनोमिनेटर है, नहीं है, तो क्या करेंगे अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -6/1 होल पावर -1। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 1/-6, -6 आ गया आप डिनोमिनेटर में, 1 चला गया न्यूमरेटर में, तो पावर हो गई +1, हो गया इतना। इसके बाद पावर 1 का मतलब इसको 1 टाइम राइट करना है, हमने इसको 1 टाइम राइट कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया -1 का न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दिया जाता है -1/6। और इस अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहां से इसको राइट कर सकते हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ठीक है, लेकिन कुछ टीचर्स को इसमें ऐतराज होता है कि आपने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो उनके लिए ये तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया जिसमें इवेलुएट करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है, मन लगाकर देखिए और स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करते रहिए, क्योंकि जैसे 3000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होते हैं हम लाइव आना भी स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे स्टूडेंट्स, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन शोन बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट में उसने बताया कि हमें प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, कौन से किसकी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमें 1 से लेके 5 पार्ट दिए गए हैं, और जिस मल्टीप्लीकेशन में या जिस पार्ट में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका सिर्फ नाम लिखना है। तो प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी थी आपको, फिर भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट पे। देखिए -12/5 × 3/4, अब की बार क्या किया गया है, 3/4 को पहले लिख दिया गया है, -12/5 को बाद में लिख दिया गया, मतलब ऑर्डर चेंज किया गया है, -12/5 को बाद में, 3/4 को पहले, ऑर्डर चेंज हुआ है। तो जिस प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज होती है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें राइट करते हैं स्टूडेंट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हो गया, आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखिए 1 का मल्टीप्लाई कराया गया -8/15 में, तो हमें -8/15 ही मिल गया है, मतलब सेम नंबर मिल गया है। इसका मतलब है 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हो गया स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, वो फोर्थ पार्ट है उसको बाद में करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स हुआ क्या, पहले ब्रैकेट में -2/3 और 7/8 थे, अगली बार क्या हुआ -2/3 पार हो गया और 7/8 के साथ में -5/7 आ गया, मतलब ग्रुपिंग बदल गई कि नहीं बदल गई। पहले ग्रुप था -2/3 और 7/8 का, फिर ग्रुप हो गया 7/8 और -5/7 का, मतलब ग्रुपिंग चेंज हो गई है। और जब ग्रुपिंग चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स वहां पे होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए भाई लिखते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए -2/3 में 0 का मल्टीप्लाई कराया गया है तो 0 आ गया। अब आपने देखा होगा कि ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी हमें मिली नहीं पढ़ने में, है ना, ये एसोसिएटिव है ना, कॉम्यूटेटिव है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये सारा कुछ तो है ही नहीं। तो इसमें होगा क्या स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी और होती है यहाँ पे, देखिए एक नंबर ए हो गया इनटू ए में 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0, और यही होती है यहाँ पे प्रॉपर्टी, जहां पे लिख देंगे ए इज एनी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे, वेयर ए इज एनी नंबर। पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है पहले 2/5 को मल्टीप्लाई -4/5 के साथ करा के एक ग्रुप बना दिया गया है, ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया, फिर 2/5 को मल्टीप्लाई हो गया -3/10 के साथ में, तो आपने देखा यहाँ पे कि 2/5 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, ओवर एडिशन, इसका मतलब बता दें कि ओवर एडिशन का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे बेस्ड है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस ही आ गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, तब हो जाती ओवर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, फाइंड टू रेशनल नंबर्स लाइन बिटवीन -1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच के हमें टू रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। बिल्कुल आसान तरीका है, 1H में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ था, यहाँ पर इकलौता क्वेश्चन है तो हम उसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो अजय कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर RS अग्रवाल के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। आप वहां पे जाके 1H एक्सरसाइज सर्च कीजिए, वहां पे आपको 10 या 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनमें आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी।
फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। हमने नोट कर लिया यहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री, अदर साइड पे हो गया वन अपॉन टू एंड लिख दिया। मैंने बताया था सबसे पहला काम हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने का। तो देखिए थ्री और टू का एलसीएम लेंगे आप, तो ये हो जाएगा सिक्स। कितना हो जाएगा भाई? सिक्स। इधर इसको नोट कर लिया माइनस वन अपॉन थ्री, अदर साइड पे हो गया वन अपॉन टू। अब देखिए डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम थ्री से डिवाइड करेंगे सिक्स को, तो डिवाइड होगा टू टाइम्स। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे टू का इंटू टू इंटू टू इंटू टू से डिवाइड करेंगे सिक्स को, तो थ्री टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा थ्री और यहाँ पे थ्री आ जाएगा, क्यों हो जाएगा टू वन जर टू, थ्री टू जर सिक्स हो गया माइनस टू अपॉन सिक्स एंड थ्री वन जर थ्री अपॉन थ्री टू जर सिक्स। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो यहीं से आंसर आप राइट कर सकते हैं। इसमें देखिए माइनस टू अपॉन सिक्स है तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन सिक्स, जीरो, वन अपॉन सिक्स, टू अपॉन सिक्स, कई सारे मिल जाएंगे। मगर हमने पूरी प्लानिंग क्या सीखी हुई है कि जितने रेशनल नंबर ये कहेगा उसमें वन ऐड करके इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए टू पूछे हैं, टू में वन हमने ऐड कर दिए, मिल गया हमको थ्री। अब थ्री का मल्टीप्लाई दोनों रेशनल नंबर्स में करवा देंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है हमेशा, यहाँ तक कि वर्किंग करने के बाद आंसर नहीं मिलने वाला हमें। इंटू थ्री, इंटू थ्री यहाँ पे हो गया, तो हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स माइनस सिक्स अपॉन सिक्स थ्री जो एटीन एंड ये हो जाएगा थ्री थ्री जो नाइन अपॉन सिक्स थ्री जो एटीन। देखिए स्टूडेंट्स अब हमें मिल गया माइनस सिक्स अपॉन एटीन और नाइन अपॉन एटीन। अब इनके बीच में कितने भी नंबर आप ले लें, देखिए माइनस सिक्स से आपको नाइन जाना है। अगर आप एक नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस सिक्स और इधर हो जाएगा नाइन। अब क्या क्या मिलेगा आपको? माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और सब क्या अकाउंट में क्या रहेगा? 18। मगर हमें चाहिए कितने? केवल 2 चाहिए। हम लोग लिख दें द टू रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? माइनस सिक्स अपॉन एटीन के पहले आता है माइनस फाइव अपॉन एटीन और दूसरा हो जाएगा माइनस फोर अपॉन एटीन। यहाँ पे आप किसको कैंसिल करने कोई जरूरत नहीं है, इतना भी आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स देखा किस तरह से हम लोगों ने टेस्ट पेपर वन के क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व कर लिया है। बाकी टेस्ट पेपर के बचे हुए क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स आज जो कोचिंग क्लासेस जितने भी वीडियोज आते हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करिए, जिससे कि ज्यादा बच्चे हम तक जुड़ेंगे, उतने जल्दी हम लाइव आएंगे और आपकी स्टडीज को और भी बेहतर बना देंगे। इसलिए सभी लोग पूरे मन से सबको शेयर करिए और पूरी तरीके से पढ़ाई करने में भी मन लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट पेपर के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।